हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम छोड़े डॉट कॉम माई नेम इज रमनद सिंह एंड टूडे एम गु टेल यू वट यू शूड स्टडी इन द लास्ट वीक ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र जर्नलिस्ट ऑफिसर एग्जाम आप लास्ट के एक हफ्ते में क्या पढ़े जिससे आपके स्कोर्स जो है वो मैक्सीमाइज हो पाएं ठीक है आज हम यही डिस्कस करेंगे दैट्स वट वी एन ना डिस्कस इन द लास्ट वीडियो टोल्ड यू द हाउ यू शुड अटैम्प्ट टेस्ट वन इम्पोर्टेंट फैक्टर की नेगेटिव मार्किंग नहीं है गेटिव मार्किंग नो नेगेटिव मार्किंग ये इंफॉर्मेशन हैंड आउट में आ गया है नो नेगेटिव बट वन थिंग दैट यू शुड कंसिडर की इन द ट्वेंटी मिनट हाउ मेनी क्वेश्चन यू कैन एक्यूरेटली अटैम्प्ट रीजन फॉर एग्जाम्पल फॉर रीजनिंग एबिलिटी डाउन हो जाएगी राइट सो माई रिकमेंडेशन फॉर यू आउट ऑफ थर्टी क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपको बारह से पंद्रह ही आते होंगे ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन दीस क्वेश्चन वन क्वेश्चन पर मिनट पंद्रह मिनट में आप ये करें और बाकी के पाँच सात मिनट में, में आपको गेसिंग करनी है तो बाद में करें दैट दैट्स माय पर्सनल रिकमेंडेशन इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग लाइक यू नो मेकिंग रैंडम गेसेस राइट बाद में कर लें आप ठीक है सो देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग बट स्टिल अटेम्प्टिंग थर्टी क्वेश्चन इन एंड रीजनिंग इज इज अ टास्क इज क्वाइट अ टास्क एक्चुअली डिफिकल्ट है थोड़ा सा बट स्टिल यू हैव टू डू ओके सो इन द इंग्लिश लैंग्वेज आई एम एक्सपेक्टिंग कि इफ यू आर स्कोरिंग लाइक फिफ्टीन प्लस दैट वुड बी अ गुड स्कोर एटीन फिफ्टीन टू एटीन लाइक फिफ्टीन टू एटीन हेयर एज वेल इन द क्वान रीजिंग एन इंग्लिश सो फोर्टी फाइव टू फिफ्टी प्रोफेशनल नॉलेज को छोड़ के आप स्कोर करते हो तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा फोर्टी फाइव टू फिफ्टी इन द प्रोफेशनल नॉलेज इफ यू आर स्कोरिंग लाइक थर्टी दट वुड भी अ वेरी गुड स्कोर अकॉर्डिंग टू मी लाइक ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव वुड बी अ गुड स्कोर so like 80 to uh, 90 that's a very good score cut off kathri out of 150 cut off uh, should be around 75 plus around 75 70 80 according to the number of students what you should study in the last week uh, you can actually improve your scores in the professional knowledge by studying बाय डूइंग अ रिविजन गवर्नमेंट स्कीम्स आप पढ़ लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेड टू बैंकिंग मुद्रा स्कीम जनधन योजना स्कीम किसान क्रेडिट कार्ड वाली स्कीम जो है वो पढ़ लें हैं आप uh, प्रधानमंत्री कोई भी पेंशन या आपकी इंश्योरेंस स्कीम्स हैं ऑल दैट यू हैव टू स्टडी एनी स्कीम्स दैट इज़ रिलेटेड टू बैंकिंग इंश्योरेंस पेंशन एन पी एस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये आप पढ़ें ठीक है दैट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम सच एस पी पी एफ एंड सुकन्या समृद्धि योजना एंड ऑल दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये भी आप पढ़ लें आर बी आई सर्कुलर फॉर लास्ट सिक्स मंथ्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इफ़ यू कैन स्टडी फॉर लास्ट वन ईयर दैट वुड बी ग्रेट सिक्स मंथ्स वाले आप जरूर पढ़ें सिर्फ आई सी एंड आई बी सी दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन इसमें से आने ही वाले हैं स्टैटिक बैंकिंग राइट नाट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी स्टैटिक बैंकिंग दैट वुड बी डिफ़िकल्ट इन दिस टाइम मुश्किल हो जाएगा तो स्किप कर सकते हैं न्यूज़ रिलेटेड टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं आप अबाउट अस पेज देखें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर श्योर

इंग्लिश लैंग्वेज इन द लास्ट वीक यू कैनॉट रियली इम्प्रूव योर ग्रामर ट्रस्ट मी आप एक हफ्ते में अपनी ग्रामर या नहीं इम्प्रूव कर सकते वट यू कैन वर्क ऑन इज योर एग्जाम टेकिंग स्ट्रैटेजी टेक अ मॉक टेस्ट आप एक मॉक टेस्ट लीजिए सबसे पहले राइट मॉक टेस्ट बैंक एग्जाम पर अवेलेबल हैं जस्ट टेक टू थ्री मॉक टेस्ट यू विल गेट टू नो कि हाउ शुड आई अटेम्प्ट टेस्ट डू नॉट मेक रैंडम गैसेज इन द बिगिनिंग ऑफ द टेस्ट आप टेस्ट की बिगनिंग पे रैंडम गैसेज ना करें वेन वी यू स्टार्ट योर टेस्ट ऑलवेज ट्राई टू यू नो अचीव हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी अगर बीस मिनट आपको मिले हैं एटलीस्ट पंद्रह मिनट आप हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी टारगेट करें ओके लास्ट के फाइव मिनट आपको गैसिंग करनी आप कीजिए बट आई वोंट रिकमेंड एनी बडी कि आप और uh, सारे के सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही रैंडम गैसेज करते हैं कि बिकॉज इफ यू आर स्पेंडिंग लाइक टू मच टाइम ऑन एवरी क्वेश्चन बिकॉज गैस करने के लिए भी यू हैव टू रीड इट राइट सो एट द एंड ऑफ द डे अकॉर्डिंग टू मी नॉट रिकमेंडेड रैंडम इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल ठीक है स्टार्ट योर टेस्ट पंद्रह मिनट आप लगाइए हर एक सेक्शन में uh, अच्छे से आप हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी टारगेट करके लास्ट के पांच मिनट में आपको रेंडम गेसेस करने कीजिए बट डू नॉट की डू दैट की आप सारे के सारे एग्जाम को आप रेंडम गेसेस पे ही चला रहे हो दैट इज नॉट रिकमेंडेड रीडिंग कॉम्प्रींशन यू कैन नॉट अटेम्प्ट रीडिंग कॉम्प्रियशन विदाउट रीडिंग द दैराग्राफ्स वो नहीं कर सकते यू कान डू दैट सो यू हैव टू रीड इट यू यू हैव टू रीड द आर सी देन यू नीड टू अटैम्प्ट क्वेश्चन कि मैं आर मैंने पढ़ी नहीं, मैं नहीं है मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा हूँ या मैंने सेंटेंस पढ़े नहीं है एंड देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर रहे हैं नो पॉइंट एरर डिटेक्शन है यहाँ पे आप गेसिंग करेंगे दैट इज टोटली फाइन कोई दिक्कत नहीं है एक दो पे आपको डाउट होगा वर्ड यूजेज डबल फिलर यहाँ पे करें कनेक्टर्स में कोई दिक्कत नहीं है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे नेवर ट्राई टू मेक यू नो रैंडम गैसेज गलत ही होगा हंड्रेड परसेंट टाइम वेस्ट हो जाएगा सो इन द रीजनिंग अगेन अवॉइड रैंडम गैसेस मेक कैलकुलेटेड गैसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है रैंडम गैस करना अवॉइड करें आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो ना ही करें गिव इट अ लुक एक्चुअली यू गॉट वन ट्वेंटी मिनट्स यू गॉट वन ट्वेंटी मिनट्स इवन इफ यू यू नो स्पेंड वन मिनट पर क्वेश्चन इवन देन यू विल एबल टू अटेम्प्ट ओनली वन ट्वेंटी क्वेश्चन राइट सो क्वेश्चन को आप रीड भी करते हो इवन इफ यू रीड अ क्वेश्चन इट टेक्स लाइक ट्वेंटी थर्टी सेकेंड्स सो इट डिपेंड्स कि आप अब ज्यादा टाइम खराब ना करें राइट बिल डू नॉट गेट स्टक इन अ पजल इन अ अटिंग अरेंजमेंट आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास अटैम्प्ट करने के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है दैट इज वाई एवरीबडी इज गोइंग टू अटैम्प्ट लाइक वन थर्टी वन फोर्टी वन फिफ्टी कट ऑफ इज गोइंग टू बी गो हाई कट ऑफ ऊपर जाएगी थोड़ी सी रिलेटिवली ऊपर जाएगी इट कैन बी लाइक 75 80 आई वोंट बी सरप्राइज ओके सो पजल सेटिंग अरेंजमेंट नेवर अटेम्प्ट अ पजल विदाउट इवन यू नो रीडिंग द प्रॉब्लम आप बिना प्रॉब्लम पढ़े या पजल या सेटिंग अरेंजमेंट अटेम्प्ट करोगे तो वो गलत ही आएगा एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी अगर एक्यूरेसी मान लीजिए दस बीस बीस तीस परसेंट भी नहीं है तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू फेल ओके so make sure you make calculated guesses right uh, coding decoding inequalities algorithm blood relations machine input output problems based on ages and logical reasoning make calculated guesses and take mock test for reasoning english and quant i highly recommend you to take mock test that's really really important professional knowledge ke liye, go through the course that's really really important ke liye just take the mock test that is really important इन द नुमरिकल एबिलिटी डेटा इंटरप्रिटेशन इज देयर अप्रॉक्सीमेशन सीरीज इन अरेथमैटिकर अप्रोक्सीमेशन सीरीज इन अरेथमैटिकज देयर गो थ्रू दैट दैट्स आई वुड रिकमेंड यू टू टेक मॉकटस राइट नाउ डू नॉट स्टार्ट अ न्यू चैप्टर अभी आपने अगर सीरीज कभी किया ही नहीं है देन दिस इज नॉट द राइट टाइम टू यू नो अट दैट राइट टाइम टू यू नो उसको पढ़ने का सही टाइम नहीं है ओके okay. सो टेक द मॉक टेस्ट यू विल गेट टू नो कि कौन से टॉपिक्स आपको आते हैं कौन से नहीं आते हैं वे यू शुड फोकस द प्रॉपर मॉक टेस्ट वुड हेल्प यू टू फ्रेम योर स्ट्रैटेजी आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि ठीक है आई स्टैंड है अब मैं यहाँ पर स्टैंड करता हूँ लीड अबोड पर आपको दिखेगा कि वे वे डू आईज एक्चुअली स्टैंड सो माई रेकमेंडेशन फॉर यू देर इज ऑल् देर इज नो नेगेटिव मार्किंग बट आई वोट रेकमेंड यू कि आप बीस के बीस मिनट रैंडम गेसेस करो बिकॉज सी एक्चुअली मेकिंग गैसेज इज एन ईजी टास्क वो बहुत ईजी है इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक द एग्जाम जस्ट वाई आई गैसिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन क्वान्ट रीजनिंग क्वेश्चन इज डिफिकल्ट राइट बट दिस इज द राइट वे मेकिंग रैंडम गैसेज इज ईजी बट आई हैव नेवर सीन एनी बडी हुकिंग रैंडम गैसेज नॉट इवन ट्राइंग टू सॉल्व एनी क्वेश्चन कि उसके तीस में से पाँच से ऊपर मार्क आ जाए नहीं आ सकते पाँच छः से ऊपर क्या आएंगे राइट right? इवन इफ यू मेक सिंपल प्रॉबेबिलिटी का गेम देखें थर्टी है तो थर्टी को फोर से डिवाइड कर दें आप या वन फिफ्टी को सीधा सीधा आप पहले फोर से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा राइट सो दैट इज द थिंग सबसे पहले तो कि तकरीबन आपका अगर यू आर मेकिंग टोटली रेंडम गैसेज इवन दैन थर्टी सेवन थर्टी एट जो है दिस इज दिस इज द स्कोर यूर वो मेक ये तो कम से कम आने ही वाला है सो डू नॉट एक्सपेक्ट कि कट ऑफ वुड बी अराउंड 50 55 नो कट ऑफ वुड बी बियॉन्ड 80 एटी एटी फाइव इतनी होने वाली है बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है ओके सो जस्ट आप नेगेटिव उस पर रैंडम गैसेज पर डिपेंड नहीं कर सकते आउट ऑफ लाइक सी प्रोफेशनल नॉलेज में इधर यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर लेट्स अज्यूम कि आपको आउट ऑफ सिक्सटी थर्टी क्वेश्चन आते हैं यू स्कोर थर्टी थर्टी आते हैं बाकी थर्टी में यू मेड रैंडम गैसेज एंड सेवन ऑफ योर क्वेश्चन आर करेक्ट सो रेंडम गैसेज गेव यू अ बूस्ट ऑफ सेवन मार्क्स रैंडम गैसेज गेव यू अ बूस्ट ऑफ सेवन मार्क्स इन प्रोफेशनल नॉलेज अगर आप नहीं करते तो वो सेवन मार्क्स नहीं आते रीजनिंग एबिलिटी में लेट्स एज्यूम की आपको एक सेकेंड रीजनिंग में आपको आउट ऑफ थर्टी लेट्स एज्यूम की आपको दस क्वेश्चन आते हैं वेरी मैं आपको रियलिस्टिकली बता रहा हूँ आपको दस बारह क्वेश्चन आते हैं एंड आउट रेस्ट ऑफ द ट्वेंटी क्वेश्चन यू मेड रेंडम गैसेज सो यू गॉट फाइव मार्क्स दे आर अकॉर्डिंग टू द प्रवेबिलिटी राइट क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड यू नो लेट से आपको फोर्टीन क्वेश्चन आते हैं बाकी सिक्सटीन में आपने रैंडम गैसेस कर दिया इंग्लिश में यू नो लाइक ट्वेंटी क्वेश्चन और लेट से यू नो फोर्टीन क्वेश्चन बाकी आपने सोलह में रैंडम गैसेस कर दिया सो गिव इट अ लुक फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सिक्सटी एट मार्क्स तो आपके बिल्कुल जो आपको आता था यू स्कॉर्ड बाय मेकिंग रेंडम गैसेज ट्वेल्व प्लस फोर सिक्स प्लस फोर ट्वेंटी सो ट्वेंटी मार्क्स दिस इज योर फाइनल मार्क. ट्वेंटी मार्क्स इज फॉर गेसिंग ट्वेंटी मार्क्स इज फॉर गेसिंग बट मेक श्योर दैट मेजर चंक्स ऑफ मार्क्स आर कमिंग फ्रॉम योर हार्डवर्क ओके द गैसिंग कैन गिव यू अ स्लाइट पुश बीस मार्क का आपको पुश मिल रहा है बट सिक्सटी एट मार्क वही है जो आपने एक्चुअली आपको आता था सो गेसिंग इज आई वुड से इंपॉर्टेंट आपको बीस पच्चीस मार्क का पुश मिलेगा जरूर मिलेगा इफ यू आर स्कोरिंग लाइक सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स बट बाई डूइंग गेसिंग यू कैन रीच द लाइक एटी फाइव टू नाइंटी मार्क विच इज रिक्वायर्ड मैं ये नहीं कहूँगा कि अवॉइड गैसिंग अदरवाइज आप सिक्स सिक्सटी एट सेवेंटी से ऊपर नहीं जा पाएंगे कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा बट इफ़ यू आर टोटलिंग इन टोटली इन टू गैसिंग वन फिफ्टी में से वन फिफ्टी आप गैस मार रहे हो देन लाइक यू यूल बी स्कोरिंग लाइक थर्टी फाइव टू फोर्टी अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी एंड इवन इफ सम्बडडी ऐसा भी है कि जिसने क्वांट रीजनिंग टोटल गैस मार दिया क्वान्ट रीजनिंग में गैस इंग्लिश में भी गैस कर दिया थोड़े बहुत क्वेश्चन लाइक like आते थे एंड देन आपको इंग्लिश में फाइव 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 एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चनल नॉलेज में टेन सो इट्स हार्डली यू आर गेटिंग ट्वेंटी फाइव मार्क्सर सो इन द रेस्ट ऑफ द वन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन यू नो स्कोरिंग मोर देन फिफ्टी फिफ्टी सिक्सटी वुड बी योर स्कोर अगर आप इतना सा ही करोगे मोस्टली अगर आपके गैसेज आ रहे हैं देन यू विल भी स्कोरिंग हार्डली 50 60 इवन इफ यू अगर आपको पाँच पाँच दस दस क्वेश्चन छः छः क्वेश्चन आते थे हर एक सेक्शन में से स्टिल यू विल भी स्कोरिंग 50, 60. टोटल गैसेज 35 40 इफ यू आर गिविंग योर बेस्ट यू आर एक्चुअली मेकिंग सम हार्ड वर्क देन मे बी लाइक एट्टी फाइव नाइन्टी विच इज़ रिक्वायर्ड यू नीड सेवनटी फाइव एटी सेवनटी फाइव प्लस एटी प्लस टू रीच योर गोल्स ओके सो so, नुमेरिकलअबिलिटी uh, में डेटा इंटरप्रिटेशन इज रियली स्कोरिंग नेवर आ कहीं पे भी अपना दस मिनट किसी एक सेट पे दस मिनट खराब ना करें वन मिनट पर क्वेश्चन इफ एनी क्वेश्चन इज टेकिंग मोर देन वन मिनट स्किप इट इफ़ एनी सेट इज मेकिंग मोर देन थ्री फोर मिनट्स कोई कोई सेट कर रहे हो पजल कर रहे हो सिटिंग अरेंजमेंट इफ इट इज़ टेकिंग मोर देन फाइव मिनट स्किप इट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन वो स, जो आपने ट्राई किया है उसको अटैम्प्ट कर लें फिर भी एनी वेज मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन and Bank of Maharashtra journalist officer 23 ye jo exam hai, iske liye we have the crash course in which we are providing uh, the complete coverage of the syllabus whatever I have told you including the test series it's part of the course you can just check it this is the number or link is available in the description please check the description and join the course you can cover that within a week and that would boost your scores for sure list of our successful students <coughs> who took the bank uh, IBPS RRB scale 2 Recently, all students students passed. I'm really, really happy for them. They got finally selected. And then, Bank of Maharashtra, Journalist Officer 2022. All these students that took our courses in the past and they cracked their respective exams. I'm really, really happy for them. If there is any doubt in your mind, please ask your doubts and I'm going to answer your doubts. And that's all for today, students. Link to join the course is available in the description. Subscribe the channel and like this video. That's really, really important for me. That's all for today students. Thank you and have a very nice day. Bye bye.